एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन में हमें रेडियन मेजर तो गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें डिग्री मेजर हमें फाइंड करना है. सो डिग्री मेजर इज क्वेश्चन मार्क फॉर अस. और फॉर्मूला अगेन यहाँ पे सेम ही रहेगा, दैट इज डी अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई. इसी को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब इसमें कहीं पे भी अगर हमारे पास पाई है और हमें रिक्वायरमेंट होती है पाई को सॉल्व करने की, देन वी कैन ऑलवेज यूज़ 22/7. सो इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट को वी हैव टू कन्वर्ट 11/16 इंटू डिग्रीज. नाउ ये हमारे पास रेडियन में है. सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा. सो वी नो दैट डी अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई. अब हमारे पास डिग्री क्वेश्चन मार्क है और रेडियन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, रेडियन की वैल्यू मैं यहाँ पे आर की जगह पे पुट करूंगा. तो थर्ड स्टेप में रेडियन की जगह 11/6 पुट करता हूँ. 11/16 है. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई ये हमारा अपॉन, चलो मैं एक स्टेप और इलिस्ट्रेट कर दूंगा. सो रेडियन की जगह पे मैंने कुछ नहीं किया, 11/16 मैंने इनपुट किया है. सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो पाई है अब 16 के साथ आ जाएगा, बिकॉज ये हमारा रेशियोज़ का बेसिक्स है एंड वो आपको पता ही होना चाहिए. 11/16 है. सो 16 इंटू पाई हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में वन एटी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बिकम डी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 11/16. अब हमें पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 7/22. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. सो 11/1 11, 11/2 22. ये इसको हम 2 से करते हैं पहले. ओके 4 से चला जाएगा ये. 4 4 16, 2 और 0 45. सो इसको कम्प्लीटली हम फर्दर सॉल्व करेंगे. सो देन इट विल बिकम 315 अपॉन 8 हो जाएगा. नाउ दिस इज आवर मेजर इन डिग्री. नाउ दिस इज आवर डिग्री मेजर, बिकॉज ये हमने सॉल्व करके डी इज इक्वल टू 315/8. बट लेकिन अब हमें इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इसको हमें मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. सो मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके मिक्स फ्रैक्शंस बनाने होंगे. सो 315 के हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएं, अगर मैं 315 को 8 से डिवाइड करूंगा, सो ये मेरे पास आ जाएगा 8 3 24. इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा, 75. सो 8 9 72 और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 3. सो वी कैन से दैट 315 डिग्री इज इक्वल टू 39 एंड 3/8. नाउ वी नो दैट कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं.
देन 39 डिग्रीज तो हमारे पास आ गए हैं, अब मिनट्स को 3/8 को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 3/8 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 39 तो एज इट इज़ रह जाएगा। सो 3/8 इंटू 60 करेंगे और ये हमारा 4 से हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, 8 टू द 4 टू द 8 एंड 15। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इट शुड बिकम 39 एंड 45/2। ओके, अब अगर हम इसके मिक्स फ्रैक्शन बनाएं देन इट विल बिकम 45 के अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन बनाऊं सो इट विल बिकम 22 द 44 हो जाएगा। सो वन हमारा रिमाइंडर आ गया। सो देन वाई कैन राइट इट अप एज 39 डिग्री तो हमारा ओके हो गया। अब मिनट्स भी हमारे 22 आ गए, 22 मिनट्स, और सेकेंड्स हमारे पास बच गए 1/2। अब हमें 1/2 सेकेंड्स को हम एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते, अब हमें इसको डिग्री सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60 बिकॉज वी नो दैट कि एक मिनट्स में हमारे पास 60 सेकेंड्स अवेलेबल होते हैं। सो 39 डिग्री 22 मिनट्स, सो 1/2 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो इट विल बिकम कट जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर आंसर। सो माई आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। सो इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू कन्वर्ट -4 रेडियन इंटू डिग्रीज। सो फॉर्मूला हमारे पास सेम होगा, डी अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई। अब हमारे पास आर हमारे पास गिवन है, सो डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो डी इज इक्वल टू 180 इंटू अब रेडियन की जगह पे -4 पुट कर दूंगा, सो -4 अपॉन पाई। नाउ हमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी होगी बिकॉज इट इज़ गिवन टू अस। सो 180 इंटू -4 और पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 और 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। एंड इसको मैं कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा, सो इट विल बिकम D इज इक्वल टू -2520 अपॉन 11 डिग्री। अब हमें इसको मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको मिनट्स और सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। इसको मैं रफ में आपको इलिस्ट्रेट करके बताऊंगा। 2520 को हमें 11 से डिवाइड करना होगा, सो 11 टू द 22, 3 आ जाएगा हमारे पास 32, सो अगेन 11 टू द 22, सो 100 हमारे पास आ जाएगा। सो 11 9 द 99, रिमाइंडर हमारे पास 1 पे बच गया। सो वी कैन से दैट 2520 अपॉन 11 इज इक्वल टू 229 एंड 1/11। ओके, 1/11 नाउ डिग्रीज तो हमारे पास अवेलेबल है, 1/11 सेकेंड्स को हमें 1/11 डिग्री को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। सो उसके लिए क्या करना होगा, मैं 60 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 1 -229 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास,
वन अपॉन इलेवन को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके मिक्स फ्रैक्शन अगेन मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे. सो वी नो दैट कि 60 को हम 11 से जब डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम 11 फाइव ज़ा 55 और हमारे पास 5 रिमाइंडर आ जाएगा. सो वी कैन से दैट कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम -229 एंड डिग्री 5 मिनट्स एंड 5 अपॉन 11 सेकेंड्स. सो हमारे पास मिनट्स अवेलेबल हैं लेकिन अब हमें 5 अपॉन 11 सेकेंड्स को कन्वर्ट 11 5 अपॉन 11 मिनट्स को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा. इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमें पहले मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको -229 डिग्री 5 मिनट्स और 5.11 5.11 अभी हमारे पास मिनट्स हैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा. सो अब मेरे पास ये बन गया 30. इसको हम आगे सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम 300 अपॉन 11. सो 300 अपॉन 11 से मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगा. सो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी नो दैट 11 टू द 22 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 80. नाउ 11 सेवन ज़ 77 और रिमाइंडर हमारा बच गया 3. अब इसको एज इट इज़ इसको आगे हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे. वी नो दैट कि ऑलमोस्ट इट इज़ इक्वलेंट टू 27 सेकेंड्स. सो मैं इसके लिए यहाँ पे सीधा आंसर यहीं पे ऐसे लिख दूँगा. सो माई आंसर इज़ -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स. सो दिस इज़ अवर आंसर. थर्ड पार्ट में हमें फाइव बाय थ्री पाई को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूला लिखूँगा. सो द फॉर्मूला इज़ डी अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई. अब हमें पाई की रेडियन की वैल्यू हमें गिवन है और डिग्री हमें फाइंड करना है. सो व्हाट आई विल डू कि मैं रेडियन की जगह पे 5/3 पाई पुट करूँगा. सो डी अपॉन 180 इज इक्वल टू 5/3 पाई अपॉन पाई और ये पाई से पाई कट जाएगा एंड 180 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो इट शुड बिकम d इज इक्वल टू 180 इंटू 5/3. अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इट शुड बिकम 60 कॉमन फैक्टर 60 आ जाएगा एंड इन डिग्रीज इट इज़ इक्वल टू 300 डिग्री. सो इट इज़ अवर आंसर. इन फोर्थ पार्ट हमें 7/6 पाई को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार्मूला लिखूंगा. फार्मूला हमारे पास है डी अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई. अब रेडियन की जगह पे मैं 7/6 पाई पुट करूंगा. सो आंसर शुड बी डी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके 180 इंटू अब वैल्यू हमारे पास गिवन है रेडियन की 7/6 पाई अपॉन पाई. पाई और पाई कट हो जाएगा एंड 36 180 हो जाएगा. सो इन डिग्री इट इज़ इक्वल टू 210 डिग्री. सो इट शुड बी अवर आंसर.